वशिष्ठ मुनि और गौतम ऋषि को बुलाता है, जरूरत पड़ने पर वेद व्यास जी को भी बुला देता है। इसका मतलब ये कहीं है ना, ये कहीं है ना, कैसे बुलाया? और बुलाने की विधि कोई टेलीफोन होगा, क्या होगा? नहीं, ये सब आंतरिक अध्यात्म चीजें हैं, इसको आम आदमी जल्दी समझ नहीं पाता है। मैं अभी एक मिनट में आपको लिखित में दिखाता हूं। साहेब एक राजा को ले जाता है नर्क का, भ्रमण कराता है राजा अमर सिंह को। अब आप देखना, कहे कबीर सुनो धर्मदासा नर्क वृतांत करो प्रकाशा, धर्मराय असबाजी लावा पाप पुण्य दो कीन उपाय। ये निरंजन का खेल है, पाप पुण्य रजी फसाया जो जस करे सो तस फल पाया। यही बात रामायण में भी है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा जो जस करे सो तस फल राखा। करे पाप तय नर्क भुगताए, करे पुण्य तय स्वर्ग पठाए, कर्म ही भक्ति गर्भ में जावे यह विदकाल जीव फनावे। सुंदर नाथ नर्क की बाता सभी तुम सन कहूं विख्याता, कह रहे मैं नर्क का वृतांत तुम्हें बताता हूं। सकल सुनो यमपुर इतिहासा, मैं यमलोक का वृतांत तुम्हें बताता हूं। ठीका पूर्व जब जीव का होए भाई, धर्मराय मन चिंता आई, आयस किंकर गण था पावे हुकुम चित्रगुप्त आय सुनावे। यानी तब चित्रगुप्त अपने यमदूतों को आदेश देता है, जीव का पकड़ तहां ले आई, ले जहां सो यम सदन में झारा। यम सदन में उनको ले जाते हैं, जैसे कोर्ट में भी आप देखो, कहे तहां यम सम्मुख ठहरा, रवि से तहां सिंहासन बैठे, यमगण तहां विराजत ऐठे। रवि सिद्ध कौन? काल, काल से इन तभी विराजे, शास्त्र प्रवर्तक मुनिवर छाजे। शास्त्रों को जानने वाले मुनिवरों को भी बुलाते हैं, धर्म शास्त्र के जे जे करता सभी देखे सो जी को मरता। व्यास पराशर आदिक सभी पहुँचे यमपुर तन त्यागे तभी, ये सब यम सहाय सो करही पाप पुण्य लेखा धरही। ये सब वशिष्ठ जी, पराशर आदि और व्यास जी और गौतम ऋषि, ये सब को वहाँ सहायता के लिए बुलाता है। ये सब यम सहायक सो करी, उसकी मदद करते हैं, पाप पुण्य कर लेखा धरी। वहाँ पाप पुण्य का लेखा होता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा जो जस करे सो तस फल चाखा। अभी यहाँ साहिब करे ये संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है और कर्म गद टारे नहीं टरी। साहब कह रहे सबे मुसाहिब काल के आई, निज नैनन हम देखत जाए। चित्रगुप्त जब वही सुनावे, चित्रगुप्त पूरी वही सुनाता है। अब आपको मैं इसका उदाहरण धर्म राय कह समझावे, जिन जिन पाप किया जगमाई तिनकर लेखा जब सुन पाई। ते सुन दूतन कहत सनाथी सनाई, यथा योग भुक्ता व जाई। कह रहे हैं उसके हिसाब से फिर उसका पूरा लेखा होता है। अब यहां साहब भी कह रहे हैं धर्म राय जब लेखा मांगे की मुख लेके जाएगा। ते सुन दूतन कहत जनाई, यथा योग भुक्ता वो होता है। उनको कर्मान के अनुसार, और ये नर्क स्वर्ग तो सभी धर्म शास्त्रों में है, ईसाई भी मान रहे, मुस्लिम भी कह रहे दोजक विस्त, हम लोग भी कह रहे नर्क स्वर्ग, और सिख में भी कह रहे हैं भाई नर्क स्वर्ग। अब यहां भी आप देखना, चित्रगुप्त पूरा पूरा विवरण देने वाला। भारत में भी देखना, चित्रगुप्त की संतान न्यायालयों में ज्यादा हैं। आओ मैं आपको ये बताता हूं चित्रगुप्त की संतान कौन कौन है, वो ध्यान से सुनना। चित्रगुप्त की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई, ब्रह्मा की अस्तित्व उचारे सो धुन सुन विधि पलक उघारे। ब्रह्मा की तब आज्ञा पाई तब को चित्रगुप्त बन जाई, 12 वर्ष की तब गाढ़े पुनते ब्रह्म के सम्मुख ठाड़े। तब ब्रह्मा ने सभा बुलाए सुर नर मुनि भूपत चले आए। ये पूरे संचालन जो है बहुत विधि से हो रहा है ब्रह्मांड का। ऋषि शिष्य तहां पगधारा निज कन्या वर हेतु विचारा।
ऋषि सिसर साहब अपनी कन्या के लिए वर चाहता था, कन्या चित्रगुप्त को ब्याहा, महिपम मनमंत्र पर अश्चाहा, भूप मनमंत्र सूरज को पोता, ताहे सभा तय अवसर होता, सोई अपनी पुत्री देव दो चित्रगुप्त पर गयु। इस प्रकार चित्रगुप्त की दो शादियां हुई, मनमंत्र सूरज का पोता था उसकी पुत्री और ऋषि सिरसा की पुत्र उपयोग दोनों नारी, एक थे आठ एक थे चारी, एक से आठ पुत्र पैदा हुए, एक से चार वो कौन है सुने, माथुर गौड़ और कर्ण भनीजे, वाल्मीकि ध्वज है गनीजे, सक्सेना श्रीवास्तव ऐसे श्रेष्ठाना श्रमशक एक तैसे। अभी भी आप देखें माथुर गौड़ श्रीवास्तव सक्सेना जुडिशनरी में बहुत बड़े बड़े जज हैं, ये वांशिक चीजें हैं। भटनागर चित्रगुप्त धर्मराय के द्वारे पाप का लेख उचारे, तिम ताके सुत पृथ्वी माही राजद्वार पर लेखक राही। कह रहे इसी प्रकार उनके पुत्र अभी भी संसार में लेखा जोखा करने का काम कर रहे हैं। देखिए कितनी गहरी जानकारी है। आप जुडिशनरी में भी देखना ये बरादरी बहुत ज्यादा है, कायस्थ जो मैंने 12 गिनाए हैं, यही सकृत सुन शुतपति आही बहुत समझायो हम तुम पाही। जो कोई शुभ कर्म करता है उनको स्वर्ग में ले जाते हैं यमदूत रवि सुत, सही सुकृत जब श्रुतपति आई बहुत समझायो हम तुम पाए, पापी मनुष्य पाए हम दूतन करे रिसाय, रो रो आदि यातना इन्हें भुगावे जाए। जैसे जज का फैसला होता है किसी को सजा दे दी गई, पुलिस पकड़कर सीधा जाकर जेल में ठोंस देती है। सुनाए वचन यम दंड के रात आस रिकावे नरे घनेरा, लोह दंड मुदर हनी कोपे, रौ रौ आदि मैं तिनको लोपे, या विद यम करे मिलासा, अब विस्तार से सुन धर्मदासा। कह रहे विस्तार से बताता हूँ इसलिए समझना, संसार में पाप नहीं करना। बहुविध विद्या जग में पावे, वेद विचार सो ब्रह्म कावे। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, वेदों का ज्ञाता ब्रह्म कहलाता है, ब्रह्मवेत्ता कहलाता है। आत्म ब्रह्म एक कर जाने, ब्राह्मण सोते हैं वेद बखाने। जो आत्मा और ब्रह्म को एक मानता वो ब्राह्मण है। देखिए वेद कह रहा है ऐसे नर को जो कोई मारे ब्रह्म हत्या आते हैं वेद पुकारे। ये बहुत बढ़िया हत्या है क्योंकि वो न जाने कितने लोगों को ज्ञान की तरफ ले जाता था, किसी महापुरुष को मार देता है, बहुत बड़ा दंड है। कहाँ ले जाते हैं, जान ब्रह्मवध पाप कराला, तब दूतन का यम तत्काल। दूत बहुत बड़ी सजा देते हैं। कुंभी पाक माए लोय डारे, मुग्धर परत मार बहु मारो, इन सिर करे मरियो महदेवा, सुनी न मम अनुशासन भेवा, रो रो माँ ग्रावत घाती, काहू कहे सुनो नहीं बाती, ज्योति मारे गर्भ ग्रावे, तेल यंत्र तंतास ग्रावे। देखा गर्भपात कितना बड़ा दोष है, बच्चे ने जन्म नहीं लिया उसको वही मार दिया। मुझसे भी लोग आकर पूछते हैं गुरुजी दो लड़कियां हैं, अब डॉक्टर ने कहा है कि लड़की है। मैं पूछता क्या इच्छा है, बोला और लड़की नहीं चाहिए। मैं कहा ये कोई बात नहीं है, मैं इसके लिए कभी सहमति नहीं दूंगा कि मारना पाप है। अगर मेरा डायरेक्शन हुआ तो मैं भी भागी हो गया। उसको तेल में जाकर डुबाते हैं। जिन गुरु हने हने निस्वामी, छुराधार से पीड़ित नामी, जे विश्वासघात नर कर रही, ते नर काल सूत्र में पर रही, बाल वृद्ध कर हरे जो प्राणा, तप्त तेल में पचत आयाना। बच्चे और बूढ़े को जो मारता है वो तप्त तेल में उनको उबालते ही रहते हैं, बस वो पीड़ा ही सहता रहता है, बहुत असहनीय पीड़ा। पर धारा पर क्षेत्र जे हरई, से नर परम सीम बिगरही। पर क्षेत्र यानी जमीन किसी की एक इंच मत लेना, बहुत बड़ा पाप है। यही वासुदेव कृष्ण ने श्रीमद गीता में कहा, हे अर्जुन छह कर्म करने वाले अधोगति को प्राप्त होते हैं। पहला जो किसी ज्ञानी या ब्राह्मण की हत्या करता है, दूसरा जो गौ हत्या करता है, तीसरा जो गोत्रवध करता है, चौथा जो किसी को विष देकर के धोखे से मारता है, पांचवा जो पराई स्त्री को
हरण करता है। छठा जो किसी के घर में आग लगा देता है। ये छह लोग अधोगति को प्राप्त होते हैं। वेद शास्त्र कोई गलत थोड़ी कह रहे हैं, साहब साहब कह रहे हैं, को कहे वेद झूठा, सो झूठा जो वेद ने विचारा। ते गुरु पाप नरक में बचई, हाहाकार शब्द तह मचई, चक्रंते तिनके तन छेदे, चक्रों से उनका शरीर काटा जाता है। आपने नर्क स्वर्ग की यंत्रणा तो देखी भी होगी, कैलेंडर भी देखे होंगे, साहब भी पुष्टि कर रहे हैं, मुग्धर परे शूल मत भेदे। और जैसे वो नर्क के कुंडों से गर्दन उठाते हैं, ऊपर से मुग्धर मारते हैं, अंदर रख गर्दन। गम्भ अगम्भ विचार न करी, खाज अखाज नहीं चित धरे, तिनके तन को करकट छेदे, बहुत भान चौचन सो भेदे। वाह वाह, उनको पक्षी नोचते हैं, चीले गिद्धे मांस उसका नोच के ले जाते, खड़ा करते उधर। बोला तुमने ऐसे ही तो नोचा ना किसी का मांस। जीव न मारो वापरा, सबके कह प्राण, हत्या कभो न छूटती कोट, सुनो तुम प्राण। चोर व्रत करे जो जीवे, करे सब पर से द्रोह, झूठ बोल और मत पिए, पर निंदा कर जो है, तिन पापन कर यम विकरारा, ठोर भयंकर मांझते हंडारा, जे नर कन्या दान मझारी, विघ्न करत रो रो अधिकारी। जो किसी की कन्यादान और विवाह में विघ्न डालते हैं, वो भी नर्क के अधिकारी है, बहुत बड़ी सजा उनको मिलती है। दान दे तिलक भांजी मारे, योग्य अयोग्य जो नहीं विचारे, पर तप मह कर विघ्न आने का, नहीं ही माया सुकृत विवेका, आप छू छोरन विचारे, वेद विचार जिन नाय उचारे, हरि य सुनत दहे मनमाई, दूसरे सुने को चित्त विचलाई, तिनकर दे सु कुकर बखई। आप ध्यान से सुने, साहब कह रहे हैं जो किसी को भक्ति पथ में जाने में रुकावट देता है, जो राग रखता है और जो किसी के तप में विघ्न करता है, उसको कुत्ते मांस नोच के खाते हैं। जय गुरु विचारी होई, प्रजय दुख दे नहीं जोई, शिष्य शंख सो ना है मिटावत, प्रजय न्याय सो ना ही चुकावत, युक्त असक्त न जानत सोई, करत अच्छा न्याय पट सोई, तेनर अंध तिमर मजारे, गिरत लखे पावत दुख मारे। जो गुरु विभिचारी है और जो शिष्य की शंकाओं का समाधान नहीं करता है, और जो अपने स्वार्थ के लिए केवल पाठ पूजन करके धन एकत्रित करता है, उसको ऐसे अंधकार में चलाते हैं जहाँ बड़े बड़े खड्डे होते हैं, उनमें गिरता है। बिन देखे पर दोष गिनावे, यमगण तिनके नैन दिखावे। किसी को देखे बिना झूठा दोष करता है, उसकी आंखों में पट्टी बांध करके उसको दौड़ाते रहते। जे परतीय अभिलाखत प्राणी, निंदक सुरगुर भुसर जानी, धर्मशास्त्र तीर्थ हरिजन कर, निंदा कर सुने दुख तिनकर, पहले शूलन पर बैठावे, मुग्धर शूलन से कर धावे। उनको सूलों पर पहले बिठाते हैं, फिर ऊपर से मुग्धर जो मारते हैं वो भी सूलों के हैं। परनारी के रास्ते अवगुण हैं, गुणनाय रावण के दस सिर गए, परनारी के माया संभल कर रही है संसार में। यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसार है। पाछे काग स्वांत है खाई, छेद है दुख सुख हेरत नाही, भोगी बहुत काल प्रिय नारी, त्यागत ताहे अधम अभिचारी, बिन वैराग ताहे को त्यागे, ताहे त्याग औरन में पागे। वाह, बहुत अच्छा कह रहे हैं। जब स्त्री के साथ में बहुत काल रह करके भोग आदि का आनंद लेता है और बिना किसी दोष के उसको त्याग देता है, वो नरक में जाता है। क्या होता है उसके पास, सुनो। कर पद बांध यम सासत देई, जो जस किए सो तस फल देई। उल्टा लटका कर झुलाते रहते हैं। सूरज सुध जस आज्ञा देई, दूत उठाए सभे सुन लेई, चित्रकृत से लिखनी लेखे, धर्मराय न्याय तय पेखे। करे कमाई जो कश कभी न निष्फल जाए, सात समुद्र आड़ा पड़े मिले अगाड़ी उधाए, भूमि त्राम में तहा मनाई, ता पर अग्नि प्रचंड बिछाई, दहकत ज्वाला सो में कैसी, अति दुसह प्रलय गिन जैसी, तह नर जाए जरत खुपावे, यमगण हान तेह माँ जरावे। वाह, कहते हैं तांबे का वहाँ भूमि है, बहुत गर्म, उस पर चलाते हैं, वो इतना बड़ा कष्ट है। मद पीवत संग से कर प्रीति, मांस खाए करत अनरीति, तप्त तेल तह माय प्राय पियाई, कहत मद है पीवो शठाई। वाह वाह, कह रहे हैं उसको गर्म तेल उबाल कर कहते पियो। इसलिए शराब तो भैया मना है, इन सब चीज़ों से इसलिए वर्जित करता हूँ, पहले सत्य बोलना, मांस न खाना, नशा न करना, पर स्त्री कमन न करना,
चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना, ये सात कुंभी नरक है। उनमें वो लोग जाते हैं जो झूठ बोलते हैं, परस्त्री गमन करते हैं, चोरी करते हैं, जुआ खेलते हैं, मांसाहार करते हैं, दूसरे को सताते हैं और अपना दो नंबर का पैसा खाते हैं। ये तो मैं आपको संक्षेप में बात बताई। आइए मैं आपको वृत्तांत बता रहा था ब्रह्मांड का। जब मैं उसके पास पहुंचा, वो उसके चेहरे पर एक विजय मुस्कुराहट थी कि मैंने इसको नीचे उतार के खींच लाया। मैंने कहा, भाई बात सुनो, मैं तो अपने रास्ते से जा रहा था, आपने मुझे क्यों उतारा? भाई आप रास्ता चलते जाएं, कोई धक्का मारे तो आप पूछेंगे नहीं कि धक्का क्यों मारा? उसने कहा, पहले इस लोक का अवलोकन करो। वो सिद्ध लोक था। जब मैंने उस पूरे लोक का अवलोकन किया, आपने देखा नहीं, व्याख्या आती है, उस अंतवाहक देह में बहुत ताकत होती है, सभी दिशाओं से देख सकती है, सभी दिशाओं से सुन सकती है, इन ए सेकेंड, इन ए मिली सेकेंड हजारों लाखों योजन जा सकता है। मैंने देखा उस सद्लोक में क्या था, सभी मंदिर थे, ऐसा कोई देवता नहीं था जिसका मंदिर नहीं था। वहां क्या था, कौन पहुंचता है? जो मृत्युलोक में इष्ट की प्राप्ति करता है वो पहुंचता है। वहां मान लीजिए शिव मंदिर में पहुंचा, शिव जी क्या वहां प्रतिमा है? आप जब भी बात करेंगे वो प्रतिमा उत्तर देगी, उसी के आधार पर यहां मूर्ति उपासना है। लोग किसी भी चीज की जड़ को नहीं समझते, सिर्फ निंदा करते हैं। निंदा का भी बहुत बड़ा दोष है, उसका वर्णन है। जो किसी में दोष नहीं, दोष अगर लगाता है उस पर, बहुत बड़ा पाप है, वो दुखी हो जाता है इससे। उसको त्रांबे की गर्म भूमि पर चलाते हैं। सोचे, चारों तरफ देखा, सभी वो सिद्ध लोग इसलिए कहलाता है, वहां बहुत शक्तियां होती है उन लोगों में। कभी कभी आप देखते हैं आपके पुरखे भी आपसे आकर मिलते हैं। बस आप एक बात अपने दिमाग में रखना, कबरा इस संसार में दो बातें हैं, सार सुख दिए सुख होते हैं, दुख दिए दुख होते हैं। आपके जो रिश्ते नाते, ब्याह शादी, माता पिता होते हैं, ये सब कर्म के द्वारा है। उसने मुझे ये बोला, इस सिद्धलोक में सबसे बड़ा सिद्ध मैं हूँ। मैं बोला, फिर आपने मुझे क्यों खींचा? बोला, मैं अपने से ऊपर किसी को जाने नहीं देता हूँ। यहाँ साहब कह रहे हैं 70 प्रलय मार्ग माई। मैं बोला, मैं तो सतलोक जा रहा हूँ। बोला, आप में अगर इष्ट सिद्धि है तो आप जाओ, मैं आपको खींच लाऊंगा। अगर आप इष्ट में पहुंच गए, आपका इष्ट अगर मुझसे बड़ा है तो फिर बात खत्म है। उसने अपना इष्ट बताया मुझे। उसने बोला, मेरा इष्ट निरंजन है, मैं निराकार उपासक। आप दिव्यास्त्रों का भी शास्त्रों में देख रहे हैं कि नहीं? मुझे आपसे अस्तुत नहीं चाहिए, अस्तुत निंदा नायजन बैरी मीत समान, कह नानक सुनने मना मुक्तता को जानो। मैं कहा, ठीक है, आप अपने इष्ट में समाओ, मैं वहां से आपको खींच लाऊंगा। इंसान परमात्मा की भक्ति क्यों करता है? मृत्यु से बचने के लिए, ताकि वो अपने इष्ट में जाए। लेकिन इष्ट अगर यमगणों से, धर्मराय से कमजोर है, आपकी रक्षा नहीं कर सकेगा। इष्ट इसलिए सबसे ताकतवर हो। कोई किसी को इष्ट मान रहा, कोई किसी को मानता। वो गया एक बहुत अद्भुत प्रकाश के सागर में, इतना अद्भुत प्रकाश था, उसमें जाकर समाया। अब उसको वहां से निकालने के लिए मंथन करना था, तो उसका इष्ट उसको सहायता कर रहा था। वो इष्ट के, अब उसको इष्ट की गोद से निकाल के लाना था। मैंने अपने इष्ट परम पुरुष का ध्यान किया, उसको मैं मथ करके बाहर ले आया। मैं कहा, देखो, मैं अभी तुम्हें जकड़ लिया हूं, तुम्हारा इष्ट तुम्हारा सहयोग नहीं कर सका। उसने मुझे कहा, तुम भी जाओ, मैं भी पकड़ के आऊंगा। जब मैं चला, वो मेरे पीछे पीछे आया। जैसे आप देखते हैं अंतरिक्ष में चिड़िया यूं घूम रही है, दूसरा उसके पीछे जाती है, हमला कर देती है, ऐसे मेरे पीछे पीछे आया, बहुत दूर तक आया।